तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइज, आज क्या हुआ ना कि आज 2 अगस्त है और आज फॉर्म फिलअप का डेट है कॉलेजेस का बहुत सारा। तो हम लोग का मार्क्स तो कुछ खास आया नहीं है, तो अभी चल रहे हैं हम लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए पहले फॉर्म फिलअप करते हैं, आपको दिखाते हैं हम लोग कौन से कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फिर जाके देखते हैं आगे। यस, और यदि आप लोग को भी जानना है कि मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ तो देख लेना व्लॉग में, आप लोग भी वहाँ पर अप्लाई कर देना, मिल लेंगे वहाँ कॉलेज में, कोई बात नहीं। बट तो चलते हैं हम लोग पहले अपने फ्रेंड के घर, फिर वहाँ पे हम लोग कॉलेज का फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरे चलता तकलीफ पाए गाइस, यहाँ पे मेरे को गार्ड अंकल ने रोक लिया, बोला कि मैं साइकिल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उन्हें पसंद नहीं आया, बोला कि कहीं गिर गए बाई चांस तो कैसे लगेगा, चोट लग जाएगा, तो उतर के ब्लॉग बनाओ। उनका बात भी सही है, कहीं ना कहीं उनको भी टेंशन रहता, जान पहचान के अंकल है। तो अंकल बोले कि ठीक है, तो अंकल को सॉरी बोला, बोला कि ठीक है अंकल, अब से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, मैं आपको यही बताने के लिए वापस आया। तो चलिए चलते अपने फ्रेंड के घर, वहाँ आपसे मिलते हैं जाके, और शायद मैं फ्रेंड को दिखा तो पाऊँगा नहीं क्योंकि परमिशन नहीं उसके घर पे सब करने का। बट कोई बात नहीं गाइस, चलिए पहले चलते हैं वहाँ पे फ्रेंड के घर के पे, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक लिया तो टाइम लैप्स देखे रास्ते का। गाइस, मेरे इस फ्रेंड के घर में तो हुआ नहीं फॉर्म फिल, कुछ दिक्कत दे रहा था, मतलब कि बोल रहे थे कि जितना मेरा डॉक्यूमेंटेशन है सबको कंप्रेस करके यहाँ पे अटैच करना है, तो लैपटॉप से कंप्रेस छोड़ नहीं रहा। तो मेरा दूसरा फ्रेंड है वो किया है अपना, तो वहीं चल रहे पहले, तो वहाँ जाके देख रहे थे कंप्रेस हो गया, तो बहुत बढ़िया, वरना कोई बात नहीं। वैसे मैं जयपुरिया कॉलेज में ना एडमिशन का अप्लाई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है ऐसे आगे। तो चलिए पहले उस फ्रेंड के घर जल्दी से चलते हैं, टाइम अप हो जाएगा तो फॉर्म फिलअप होगा नहीं। तो चलिए गाइस, पहले उसके घर चलते फिर मिलते हैं। Seven hours later. तो गाइस, भैया चौमिन लेके गए थे, भैया का पोपट हो गया। क्या भैया, नहीं मिला चौमिन, दुकान बंद है हमारा। इतने दूर जाने के बाद चौमिन नहीं मिला, अब जा रहे हैं फुचका खाने के लिए। फुचका तो है यहाँ पे, क्या खाओगे? क्या फुचका जाके खाएंगे कहाँ पे? अच्छे दुकान से हम लोग खाते हैं हमेशा, पीछे गया वो बूटी, बहुत चूना लगवा चुकी, शॉपिंग करके हाथ में छुपा के चल रही है, दिखा नहीं रही आप लोग को। भाभी ने की शॉपिंग, भैया का खर्चा बहुत ज्यादा, कितना रुपया? पूरा जेब खाली हो गया। झूठा। कितना? आज डिविल का 800 रुपए का सामान लिए। 800? कोई बात नहीं, जो फोन ड्रॉप हो गया था, इतना अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिला होगा 3D व्यू में एकदम, वो फोन ड्रॉप होने का था, जंप किया। रोड कैसी? आप रोड देखें एक बार, दिखाओ रोड, रोड दिखाते हैं। रोड में फोन गिरा लेकिन फोन टूटा नहीं, इसीलिए बोलते हैं अच्छा फोन लो। वीडियो कंटेंट 200 रूपए कवर ने बचाई, 15 हजार का फोन। नहीं, 200 रूपए कवर के फोन ने बचाया 20 हजार का फोन। नहीं नहीं, सबसे बेस्ट नोकिया 3300 की लेंगे, जमीन टूट जाएगा यार, अभी जमीन टूट जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा मस्त उससे। आईफोन को टक्कर देगा क्या? बच्चे लोग कोल्ड ड्रिंक खोल नहीं पा रहे लेकिन पीना है। ओ माँ दो। क्या भैया, नोकिया 3310 से ब्लॉगिंग करेंगे एकदम, एक्स्ट्रा कैमरा लगाएंगे एडिशनल। तो चले गए जब चलते आगे पुचका वाला के पास, फिर मिलते हैं। तो गए बोलते हुए पुचका के पास आ गए हैं, भैया का फेवरेट शॉप है। क्या भैया फेवरेट शॉप ये है? ये बात भी सही है। तो चलिए पुचका खाते पहले, फिर सीधे चलते हैं घर में, फिर मिलते हैं। तो गाइस, हर्षित पुचा खाने लाए थे, तो अभी खाएगा तीखा पुचा, मतलब इतना तीखा। भाई हर्षित इतना पुचा, अब ये खाएगा हर्षित, अब देखते हैं कितना खा पाता है। कितने किले जा रही है ये हमारे पुचका ले भैया, मसाला तेज दीजिए, पानी कम दीजिए इसका। कैसा लग रहा है हर्षित? अब एक और है जो ये खाएगी, मुँह में नहीं आ रहा है बट फिर भी। हर्षित कैसा लगा, कलेजा को शांति मिल रहा है? तो तीखा पूछा, हर्षित कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बेटी, बोला नहीं, बहुत मजा आ रहा है हर्षित, तो खा के देख सकते हो आप लोग। यही हर्षित दिखा दे पूछा का हालत, ये देखिए हर्षित फुल एंजॉय कर रहा है हर्षित, तो आंख देख सकते हो इसका आप, बुड्ढी का हालत कैसा लग रहा है? बहुत
अब भैया को भैया हम खुद से कर लेंगे अब इनका। सबका हालत देख सकते हो क्या हालत है, सबको मजा आ चुका है, सबको मजा आ चुका खा के, कुछ बोलने के लिए नहीं है। बहुत टेस्टी है, हालत देख सकते हो भैया, बहुत टेस्टी लगा, बहुत लाजवाब था, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अब नमक खाना पड़ रहा है, इतना तेज हंसी पीछे फल ले ले आम हम 2 किलो। मजा आ गया खुचा खा के, मतलब जो मजा होता है ना हंसी जैसा लग रहा है। देखो बहुत बेसी बहुत हालत खराब हुआ भैया को, माजा पिला ही पड़ेगा, एक माजा बनता है, मुंह जल गया है। चलते हैं कुछ और खाते पीते हैं। सच में आपका 2 पीस था, आपका मुंह जल गया, हम लोग क्या हलवा होगा। कैसा लगा खाकी? बहुत ज्यादा टेस्टी था, ये बहुत ही खाती है। हम लोग हालत देख सकते हैं आप, हालत खराब है जो हम लोग का, उसके बाद ये चीज बनता है मीठा, ये वो बनता ही है। कैसा लग रहा है ऐसे खा के? चुके हम लोग पूरा। तो गाइस पीना पड़ेगा, खाएगा नहीं तो कल खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, मैं ये कॉल ले लूँगा। तो अब थोड़ा राहत मिला है सबको इसको पीने के बाद, बहुत राहत, जन्नत मिल गया लग रहा है। फिर से नहीं नहीं लस्सी में फेवरेट चीज है, फेवरेट चीज लस्सी। एक बार हम लोग 3-4 ग्लास पानी पिए हैं पूरा, थोड़ा राहत मिला है। बहुत बहुत बेसी राहत मिला, बहुत बेसी पेट पूरा जल रहा है भैया, तबियत खराब नहीं होगा, खाए हो मेसी होगा तबियत खराब। बहुत अच्छा लगा था, 4-5 दबा गया, 4-5 भैया के चलते पेट जल रहा है, हमको मालूम है तो क्या होगा। तो गाइस चाउमीन लेते हुए लास्ट में, पहले बोला नहीं गया कि कब तक मुंह में लगा हुआ फुसका का दाग, मेरा नहीं है घर के लिए लिया है, अभी ये भी खाएंगे। देखो मिर्ची वर्ची ले लिया, इसमें मिर्ची से प्यार है इसको बहुत ज्यादा, पूरा मुंह जल रहा है, झूठ बोले इतना झूठ मत बोला करिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो गाइस हम लोग का रास्ता अलग अलग होने वाला है, अभी जाने वाली अपने घर, हम लोग जा रहे अपने घर, अपनी पूरा सुबह अपनी जिंदगी जाइए, सही दिख गए आप, सही है, बाय। तो चले गाइस, दीदी तो गई, अब हम लोग भी चले, अब काकी ये भी है हम लोग साथ में, घर भगाएंगे अब इसको भगाते, फिर अपने मस्त घूमते फिर चलते घर, घूमेंगे भैया घर, शक्ति है शरीर में। फुचका खाने के बाद फुचका पूरा मुंह जल रहा है, तो मुंह पेट सब जल रहा है, खा जाएंगे मालूम पड़ेगा क्या हाल है क्या नहीं। क्या भैया, भैया जब जाएंगे बाथरूम में बैठेंगे तब मालूम पड़ेगा। भैया गुदगुदी बहुत जोर करते थे, चले चलते हैं पहले घर फिर मिलता हूँ, भी जा रही है अपने घर, इसको भगा दिए, तो चल जाओ अपने घर कृपया, चलिए हम लोग अपने चलते हैं घर। आइए भैया सब प्यार प्यार मोहब्बत का बात करते हैं, प्यार मोहब्बत भैया नहीं नहीं भाई, अरे भैया को प्यार मोहब्बत का नाम लेने बोले, पूरा लूट लेंगे किसी लोग, चाहे लड़का हो कि लड़की। ओ भाई लड़की का मतलब क्या, बताना क्या चाहता है। ओ एकदम शरीफ लड़का, एकदम शरीफ इंसान, पब्लिक जानती है। हाँ हाँ सही बात है, अरे आज हम आई एम फैमिली को बताया जाते हैं हम कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, समझे, यदि मेरे से मिलना होगा तो उस कॉलेज में आ जाना, मिल लेंगे जरूर से, एकदम मस्त लाइटिंग भी चल गया यहाँ से, एकदम मस्त वहाँ मिल लेंगे, कभी बार भैया भी हमको लेने के लिए आएंगे, चिंता मत करो, नहीं आओगे भैया एक बार भी नहीं आओगे तो दे रहे हो धोखा आप, एकदम मुंह पे ठीक है, तो जा जिंदगी आना है, हम अकेला खो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, घर से रहेंगे कॉलेज में, नहीं घर से वही तो दिक्कत है, अब तो और नहीं जाएंगे, हम जाएंगे क्यों, नहीं नहीं घर से रहे, घर से तब आया था, अरे सावा भैया का नजर देख रहे सीधा मैम पे, अरे